हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह मसूरी, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, वहाँ घूमने जा रहे हैं। और ये ट्रिप मैं अपने हस्बैंड के साथ कर रही हूँ बाय रोड। हम अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं। ये देखिए, हम ढाबे पे रुके हैं और यहाँ गणपति रेस्टोरेंट में हमने ब्रेकफास्ट किया है। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फिर से चल दिए हैं और हम बस जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। और रास्ते में देखिए कितने अच्छे अच्छे जो व्यूज़ हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार आप मेरे साथ ट्रिप कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के आगे भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अभी हम जैसे ही पहुंचने ही वाले हैं, ये देखिए जैसे पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो गया है। और आपको तो पता ही है कि मसूरी उत्तराखंड के देहरादून ज़िले में एक हिल स्टेशन है, और देहरादून से कम 35 किलोमीटर पहाड़ों पर बसा हुआ है मसूरी। और अंग्रेज़ों के ज़माने से ही ये वहाँ पर बना हुआ है। तो पहले तो इतनी सुविधाएं नहीं होती थी जाने के लिए, बट आजकल देखिए कितनी अच्छी अच्छी रोड्स बन गई हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है। वहाँ पर होटल्स वगैरह अब तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं। ये देखिए, एक यहाँ से रोड भी जा रही है जो दिल्ली से सिर्फ 2 घंटे में आपको देहरादून तक पहुँचा देगी। और ये देखिए, अब हम टनल में पहुँच रहे हैं। ये देखिए टनल में कितना मज़ा आ रहा है, एकदम अंधेरा सा हो रहा है, यहाँ लाइट्स लगी हुई है। और हम टनल को क्रॉस करके जैसे ही हम जाते हैं, तो ये देखिए पहुँचने ही वाले हैं हम देहरादून। और देहरादून का ये रास्ता है, हम मसूरी जाने के लिए पहले देहरादून में स्टे करेंगे। ये देखिए हमारा होटल है, ये अजंता होटल है। और ये इसमें भी अभी काफ़ी काम चल रहा है, ये अंदर से काफ़ी खूबसूरत है। गाइस, हमने यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग करवा ली थी अपने रूम्स के लिए। 2,500 रुपये से लेके 3,000 साढ़े 3,000 तक के रूम आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको जैसा भी मन करे आप यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते। ये मैं आपको होटल के अंदर का रूम दिखा रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी आरामदायक है, लग्जरियस है। तो आप यहाँ पर अजंता होटल में बुक कर सकते हैं अपने लिए रूम, अगर आप यहाँ आते हैं तो। ये मिड में ही पड़ता है। ये देखिए, रूम के अंदर ही अटैच लैट्रिन बाथरूम है, तो ये काफ़ी बड़ा है बाथरूम भी। और यहाँ पर गर्म पानी की भी सुविधा आपको मिल जाएगी। तो इस होटल में आपको पर डे का 2,500 से 3,000 के बीच में रूम मिलेगा, और आप यहाँ पर आराम से स्टे कर सकते हैं। गाइस, हम काफ़ी थक गए हैं ट्रैवल करके, तो अब हमने चाय का ऑर्डर किया है, हम चाय पी रहे हैं। ये देखिए, अब हम चाय पीने के बाद फिर से बाहर जा रहे हैं, ताकि हम यहाँ देहरादून का मार्केट जो है वो देख सकें कि यहाँ पर क्या क्या घूमने के लिए। एक तो यहाँ पर तिब्बतियन मार्केट्स है, और तिब्बतियन मार्केट से ही आगे ये कुछ ही दूर पर ये मेन मार्केट है यहाँ का, जिसका नाम है पल्टन बाज़ार। यहाँ पर आपको जो भी सामान चाहिए होगा, जो भी कपड़े से लेके सभी कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए, नाइट में ये घंटाघर है। हम वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, तो हमने अपनी जो गाड़ी है वहीं पे होटल में ही पार्क कर दी है, हमने यहाँ से ऑटो कर लिया है। दोस्तों, ये जैसा कि आप जानते हैं कि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे काफ़ी ठंडा मौसम रहता है, काफ़ी ठंड पड़ती है। तो देखिए, लोगों ने स्वेटर अभी से ही पहने हुए हैं, और हमारे दिल्ली में तो अभी इतनी ठंड भी नहीं थी, फिर भी यहाँ पर शाम को देखिए कितना ठंडा मौसम हो गया है। तो यहाँ पर गर्म कपड़े आपको काफ़ी रिजनेबल रेट पर तिब्बतियन मार्केट में और पल्टन बाज़ार में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं अगर आप यहाँ आते हैं। तो अब हम देखिए होटल में वापस आ चुके हैं, और यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों ही तरह का खाना अवेलेबल होता है इस होटल में। और अब हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं, और काफ़ी थक भी चुके हैं, तो अब हमें डिनर करना है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है हमारे डिनर करने के लिए। ये देखिए, हमारे होटल में ही ये मेन्यू कार्ड रखा है उनका, कि उसमें जो भी वेज हैं तो वेज ऑर्डर कर सकते हैं, नॉन वेज हैं तो आप नॉन वेज ऑर्डर कर सकते हैं, बट हम तो वेज ही खाएँगे क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं। तो हमने खाना ऑर्डर कर लिया है, और अब खाकर हमें अर्ली मॉर्निंग उठना है, और हमें देहरादून में ही अपने एक फ्रेंड से भी मिलने जाना है। तो हम फ्रेंड से मिलने के बाद ही मसूरी की जो ट्रिप है वो करेंगे। और हमने होटल में ही बात कर ली है। ये देखिए होटल के पीछे का व्यू, हमने काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ्स भी अपने लिए हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा व्यू है पीछे होटल का भी। तो हमने होटल में ही बात कर ली थी कि हमें एक ड्राइवर, एक टैक्सी चाहिए, ताकि जो हमें मसूरी घुमा सके और वहाँ के जो भी प्लेसेस हैं घूमने वाले
पहले वो हमें दिखा सके, क्योंकि पहाड़ी जो रास्ता है उस पर गाड़ी चलाना बहुत ही इजी नहीं होता है, काफ़ी रिस्की होता है। और यदि आप पहली बार ही मसूरी जा रहे हैं या पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का कोई रिस्क ना लें, आपको टैक्सी कर लेनी चाहिए। 3500 रुपये पर डे के हिसाब से टैक्सी मिलेगी और आपको मसूरी में जो भी प्लेसेस हैं वो टैक्सी वाले ही आपको घुमा सकते हैं आसानी से, और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी होता है पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का। तो आप कोई रिस्क ना लें और आप यहाँ से होटल वगैरह से जहाँ से भी आप रहते हैं होटल में, जिस भी होटल में, तो आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको ईजीली ड्राइवर अवेलेबल करवा देते हैं। गाइस अब हम पहुँच चुके हैं, ये देखिए सबसे पहले एक शिव मंदिर पड़ता है मसूरी में, कुछ ही किलोमीटर हम ऊपर चढ़े हैं। और ये देखिए ये बहुत ही सुंदर शिव मंदिर है और यहाँ पर स्फटिक शिला के काफ़ी सारे खूबसूरत सफ़ेद रंग के शिवलिंग्स हैं। तो ये देखिए कितने सारे शिवलिंग हैं, स्फटिक शिवलिंग हैं, और यहाँ पर जो प्रसाद होता है वो भी हमने ग्रहण किया। और यहाँ पर काफ़ी बंदर भी हैं इस शिवलिंग के बाहर, जो आपके हाथ से प्रसाद लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम फिर से शिवलिंग के दर्शन करने के बाद ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए रास्ते में कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ जगह जगह कुछ कुछ दूरों पर मैगी पॉइंट बने हुए हैं, तो आप मैगी वगैरह कुछ गरम खाना चाहते हैं, स्नैक्स वगैरह, तो वो ही आप खा सकते हैं। तो ये देखिए मसूरी के जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं, यहाँ पर मौसम काफ़ी साफ़ है, आसमान काफ़ी साफ़ है, और जो धूप है वो बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ ठंडा मौसम होता है, यहाँ ठंड का ठंडा लगता है ऊपर पहाड़ों पर जाकर। तो ये देखिए धूप कितनी अच्छी लग रही है और कितना ऊपर, कई किलोमीटर ऊपर हम आ चुके हैं। मसूरी की ऊँचाई देहरादून से कम 5 किलोमीटर ऊपर है और यहाँ पर पॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है, और दिल्ली में जिस तरह का पॉल्यूशन है उस तरह का पॉल्यूशन जो हमने देखा है, और यहाँ का मौसम और आसमान काफ़ी साफ़ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर। ये देखिए हम फिर सेकंड जो पॉइंट है वो भट्टा फॉल है, और भट्टा फॉल पर आ चुके हैं। यहाँ पर रोपवे है तो हमने यहाँ रोपवे कर लिया है, रोपवे का जो टिकट है पर पर्सन कम से कम 500 रुपीज़ का है, तो आप यहाँ पर रोपवे पर जा सकते हैं और रोपवे से ही आप नीचे भट्टा फॉल में, ये काफ़ी सुंदर व्यू बना हुआ है यहाँ पे घूमने का जो प्लेसेस है मसूरी का, और यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ खाना पीना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं, गेम्स हैं यहाँ पर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं बच्चों के घूमने के लिए भी, बच्चे बहुत ही एंजॉय करते हैं, बड़े काफ़ी एंजॉय करते हैं यहाँ पर। ये देखिए कितना खूबसूरत एक झरना भी बह रहा है और उसमें टेबल लगी हुई है, वहाँ पर बैठकर भी आप चाय कॉफ़ी या डिनर लंच कुछ भी कर सकते हैं, तो पूरा दिन का जो है आप यहाँ पर चाहें तो पूरा दिन भी घूम सकते हैं, काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, आप फोटोग्राफ्स वगैरह ले सकते हैं। और धूप तो यहाँ पर आती है तो काफ़ी नीचे बहुत ही कम धूप आती है, तो वो भी बहुत ही अच्छी खूबसूरत लग रही है। गाइस यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत जगह है और पेड़ पौधे फूलों से ये काफ़ी वादी बहुत ही सुंदर लग रही है और कुदरत के काफ़ी करीब हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं, और यहाँ से बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है, पर हम क्या करें, हमें तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें और भी जो मसूरी में ऊपर जाके खूबसूरत जो जगह है वो भी काफ़ी सारी देखनी है, और हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम और काफ़ी देर टाइम यहाँ पर रुक सकें। तो अब हमें चलना होगा, हम वापस अपनी टैक्सी में आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं सीधे कैम्प्टी फॉल की तरफ। ये कैम्प्टी फॉल हम आ चुके हैं और ये कैम्प्टी फॉल से हम नीचे जा रहे हैं, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पर भी टिकट है अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो। ये देखिए रोपवे है और यहाँ से अगर आप जाएंगे तो कम से कम 250 रुपीज़ का पर पर्सन का टिकट है, और वो भी इसी तरह से जो भट्टा फॉल खूबसूरत है उसी टाइप से कैम्प्टी फॉल भी काफ़ी खूबसूरत है। ये देखिए काफ़ी ऊँचाई से एक झरना गिर रहा है और इसमें आप नीचे नहा भी सकते हैं,
हैं। कैंपटी फॉल के बाहर ही एक तंदूरी चाय मिलती है जो कि 50 रुपीज़ का एक कप मिलती है। ये इस तरह कुल्लड़ में मिलती है और काफ़ी टेस्टी लगती है। इसको पीने के बाद हम देखिए आप जा रहे हैं कंपनी गार्डन की तरफ, और कंपनी गार्डन भी काफ़ी खूबसूरत है और हम विंडो पर पहुंच चुके हैं। इसमें एंट्री चार्जेस लगते हैं, कम से कम 50 रुपीज़ पर पर्सन है, तो हमने टिकट ले लिया है और अब हम इसके अंदर एंटर हो रहे हैं। ये देखिए मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ किस तरह से खूबसूरत है ये, और काफ़ी सारे यहाँ पर आर्टिफिशियल झरने और ये सब बनाए गए हैं। तो यहाँ के जो पेड़ हैं वो काफ़ी ऊंचे हैं, लंबे हैं, और ये नुकीले टाइप के पेड़ होते हैं यहाँ पर, और इसके पेड़ों को बीच में से जो धूप है वो चीरती हुई आ रही है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ की जो खूबसूरती है वो यहाँ के फ्लावर्स है, यहाँ के जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी टाइप के हैं। रोज़ेस भी मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे देखे हैं जो कि मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे हैं। तो यहाँ पर आकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लावर्स देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से कितने तरह के रोज़ेज़ हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बट आप इनको ना तो टच कर सकते हैं ना आप इनको तोड़ सकते हैं। यदि आपके पास कोई यहाँ पर फ्लावर टूटा हुआ भी है तो आपको उसको उठाना नहीं है, क्योंकि यदि आप उसको लेते हैं तो ऐसा लगेगा उनको कि जैसे आप ही ने तोड़ा है, तो वो आपको फ़ाइन लगा देंगे और यहाँ पर फ़ाइन देना पड़ेगा, कम से कम 500 रुपये माना है। इसलिए आप ये गलती ना करें और उसको ना उठाएं, और यहाँ पर सिर्फ जो कुदरत का जो मौसम है वो देखें और कुदरत के जो व्यूज़ हैं उसका लुत्फ़ उठाएं। यहाँ पर देखिए एक पुरानी जो कार है उसकी जो बॉडी लगी है उसमें भी देखिए किस तरह से पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं, और ये काफ़ी अच्छी लग रही है। मैंने भी यहाँ पर काफ़ी सारी जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो लिए हैं अपनी और अपने हस्बैंड के साथ, ताकि वो भी मेरी स्वीट मेमोरीज़ में शामिल हो जाएँ। तो यहाँ पर आकर इतना अच्छा लग रहा है जैसे हम कुदरत के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, और कुदरत की खूबसूरती जो हमने अपनी आंखों से देखी है वो हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो इतना ज़्यादा खूबसूरत है मसूरी, ये मुझे पता नहीं था। मेरी माने तो आप लोगों को भी यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहिए और ये सारे जो कुदरत के नज़ारे हैं वो देखने चाहिए अपनी आँखों से, तभी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बताने में और देखने में काफ़ी फ़र्क है। अब गाइस मसूरी का ये थर्ड जो प्लेस है ये मेन प्लेस है, इसे मॉल रोड कहते हैं, और मॉल रोड पे देखिए काफ़ी रश रहता है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा मार्केट भी है जहाँ से आप कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आप मसूरी में यहाँ रुकना चाहते हैं, और भी मसूरी में प्लेसेस हैं जो हमने घूमे नहीं हैं वो आप घूमना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किताब घर के आसपास काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे जो कि 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का रूम आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, और उससे महंगे भी यदि आप लेना चाहें तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और यहाँ पे खाने पुने की भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ पर आप इजीली बैठकर कुछ भी साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन जो भी आप खाना चाहें काफ़ी अच्छा खाना यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर रहना चाहें तो आप यहाँ पर एक दिन स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ के जो वूलन क्लोथ्स हैं, शॉल्स हैं, स्वेटर्स हैं, पोंचूज वगैरह हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं और रीज़नेबल रेट पर आपको मिलते हैं। पर्स या बैग्स भी आप ख़रीद सकते हैं। गाइस मैंने भी यहाँ से पर्स और शॉल्स लिए हैं। जो शॉल्स मैंने लिए हैं वो 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के हैं, और काफ़ी गर्म है तो आप यहाँ से वो भी शॉपिंग कर सकते हैं। ये देखिए मॉल रोड है, ये मेरे पीछे किताब घर है, और हम मॉल रोड पे खड़े हैं और काफ़ी सारी पब्लिक है यहाँ पे, काफ़ी रश है, और सभी यहाँ पर से व्यूज़ जो हैं मसूरी के और नीचे जो देहरादून सिटी है जो यहाँ से दिखाई दे रहा है वो काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है वो सब देख रहे हैं। तो यहाँ पर आकर ये देखिए कितना लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं, तो यहाँ पर आकर आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा यदि आप आते हैं तो। तो दोस्तों हम ये 3 प्लेसेस ही यहाँ पर घूम पाए हैं क्योंकि हमारे पास और टाइम नहीं है। तो आपको मेरा ये जो मसूरी का ट्रिप कैसा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।